आगामी 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा विश्व स्तनपान सप्ताह। सोमवार को किया गया मीडिया कार्यशाला का आयोजन। आगामी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात को बताया गया कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना आवश्यक है और मीडिया के माध्यम से इसमें जागरूकता लाने के लिए कहा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा कमिश्नर महेश चंद चौधरी मौजूद रहे। इस कार्यशाला के माध्यम से बताया गया कि स्तनपान बच्चे के संपूर्ण जीवन का आधार है। स्वस्थ जीवन शारीरिक वृद्धि तथा मस्तिष्क के सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यक पोषण है। जन्म के 1 घंटे के अंदर ही शिशु को स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। बच्चा नॉर्मल हो या ऑपरेशन से, उसके लिए शुरुआत से ही माँ का दूध आवश्यक है और अगले 6 माह तक शिशु को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। नवजात शिशु को स्तनपान कराना एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है और माँ तथा बच्चे के स्वास्थ्य अस्तित्व पोषण एवं विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उपस्थित सभी रीवा क्षेत्र के मीडिया प्रतिनिधि बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी का इस कार्यशाला में अभिवादन और स्वागत करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ और महिला बाल विकास ऐसे विभाग हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े हुए हैं और ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। इस देश के विकास में यदि हम विचार करें तो ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। स्तनपान पर आज कार्यशाला सेंट्रिक है, जिसका केंद्र बिंदु स्तनपान है और इसमें अवेयरनेस के लिए हम चाहते हैं कि जो मीडिया सेक्टर है ये एक अग्रणी रोल निभाते हुए और जो जरूरत है और आवश्यकता है स्तनपान की, उसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए, और हम चाहेंगे कि यदि पॉइंटेड वैज्ञानिक ढंग से और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि प्रेजेंटेशन हमारे प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचेंगे, माताओं और बहनों तक पहुंचेंगे, तो मैं समझता हूं कि आज की जो कार्यशाला है वो ये सफल होगी और आपके हर गांव में, गली में, शहर में, मोहल्ले में स्तनपान की ज़रूरत और क्यों ज़रूरत है, इस बात को जो है हम रेखांकित करते हुए पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। रीवा क्षेत्र की मीडिया पर्सन से आज पहली बार हमारा जो है इंटरेक्शन हो रहा है एक तरह से। विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 से 8 अगस्त तक मनाया जाने वाला है। ये पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाएगा और इसके मूल भावना में ये रहता है कि हर माँ अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद से केवल स्तनपान 6 महीने तक अपना दूध पिलाए, ऊपर से और कुछ न दें, क्योंकि ये चीज़ सीधे जुड़ी हुई है नवजात शिशु मृत्यु दर कम करने में, बाल मृत्यु दर कम करने में, कुपोषण को कम करने में और देश के विकास को बढ़ाने में। जो हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ का जीडीपी निश्चित रूप से बढ़ सकता है यदि हम केवल एक इस चीज़ का पालन कर लें कि जैसे ही बच्चा जन्म ले और माँ उसको दूध पिलाना शुरू करे जल्दी, और पहले 6 महीने तक अपने दूध के साथ में और कुछ नहीं, 6 महीने के बाद जो है पूरक पोषण आहार प्रारंभ किया जाए और 2 वर्ष तक कम से कम माँ का दूध दे दिया जाए। केवल यदि एक छोटा सा उपाय अपनाया जाए तो हम अपने देश की जो शिशु मृत्यु दर है उसमें 17% तक गिरावट ला सकते हैं, सीधे सीधे हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। दूसरा, कुपोषण हम कम कर सकते हैं जिससे जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा। तीसरा, नवजात शिशु मृत्यु दर हम कम कर सकते हैं 40% तक, जिससे हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। तो ये मुद्दा सीधे सीधे जुड़ा हुआ है हर चीज़ से, न केवल व्यक्ति से, समाज से,
जिले से, प्रदेश से, देश से, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर यह मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है और विश्व की अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जो इस जनहित के कार्य के लिए कार्य करती हैं, वो संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 1 से 8 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाती हैं, जिससे स्तनपान और स्तनपान से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि विदिति है, प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मीडिया के सहकर्मियों साथियों के साथ एक वर्कशाला थी, जिसका उद्देश्य था कि हमारे जो मीडिया के जो लोग हैं वो इस संदेश को नीचे तक पहुँचाए कि माँ के दूध की क्यों आवश्यकता है। अगर नहीं पिलाने से, अगर 1 घंटे के अंदर अगर नहीं पिलाया जाता है तो उसके कितने दुष्परिणाम होते हैं, और एक जन्म से लेके 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस मैसेज को नीचे तक पहुँचाया जाए, इसी उद्देश्य से आज की कार्यशाला का है। तो अगर हम किशोरावस्था से उसके खान पान पर ध्यान दें तो कहने के लिए जो उसकी आने वाली जो संतान होगी वो भी सेहतमंद होगी।